बताएं बाबू, मैटर का क्या बताया, क्लासिफिकेशन बताया, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, ये बताया है ना सर। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में तो हमने आपको क्या बताया, बनता है फिजिकल ऐसा था सर, फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने क्या बताया, मैटर कितने स्टेट में, फाइव स्टेट में, फाइव स्टेट होता है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीएसए होता है ना। और उसके बाद क्या हमको पढ़ना है, केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो फिजिकल में बाबू एक स्टेप और हम लोग पढ़ लेते हैं ना बाबू, है ना, फिजिकल स्टेट चेंज, है ना। जैसे मान लो किसी भी मैटर का स्टेट चेंज करना, किसी भी मैटर का बाबू स्टेट चेंज करना, तो उसको क्या करो, या तो उसको प्रेशराइज करो, यानी तो उसको क्या करो, टेम्परेचर करो, है ना, टेम्परेचर, उसको हीट करो, हीट करो, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग देंगे बाबू, फिर अभी हम लोग क्या पढ़ा, मैटर का फिजिकल स्टेट पढ़ा है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू, शांति से समझना, फिजिकल स्टेट ऑफ, नेक्स्ट बाबू फिजिकल स्टेट ऑफ, बाबू फिजिकल स्टेट ऑफ, बाबू फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, फिजिकल चेंज बाबू, फिजिकल स्टेट, है ना, फिजिकल, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ आठ चीज बहुत हल्ला, मैटर। फिजिकल, फिजिकल चेंज, चेंज ऑफ, फिजिकल चेंज ऑफ अ स्टेट बाबू, फिजिकल चेंज ऑफ अ स्टेट बाबू, ऑफ किसका सर, मैटर का, मैटर का, मैटर का, मैटर का बाबू, फिजिकल स्टेट जो चेंज होगा। तो कहीं कितना तरह से चेंज कर सकते हैं सर, है ना। जनरली बाबू बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग को कितना पढ़ना, वो दो तरह, बाई टेम्परेचर के द्वारा, कैसे बाबू, टेम्परेचर के द्वारा, है ना, टेम्परेचर के द्वारा, और दूसरा बाबू कैसे, प्रेशराइज करके, प्रेशराइज करके, प्रेशराइज करके, है ना, प्रेशर के द्वारा, ठीक। अब हम लोग बाबू टेम्परेचर वाला पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे वो, टेम्परेचर के कैसे, किसके द्वारा चेंज कर सकते हैं, बाई टेम्परेचर से और बाई प्रेशर से, है ना, बाई प्रेशर से, ठीक। तो टेम्परेचर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाबू, टेम्परेचर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं नॉलेज, है ना। टेम्परेचर क्या होता है सर, टेम्परेचर क्या होता है ना, सर टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। अच्छा ठीक है, देखो किसी चीज का वो टेम्परेचर क्या कहलाता है बाबू, है ना, कोई भी चीज बाबू, वह कितना आपको बाबू ठंडा है या कितना बाबू हॉट है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, टेम्परेचर कहेंगे। कोई भी चीज बाबू, जैसे ये पानी ले लो, है ना, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे बाबू आप ग्लास में वाटर लो, थोड़ा थोड़ा सा कोल्ड महसूस होगा, थोड़ा थोड़ा सा क्या होगा, कोल्ड महसूस होगा। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को बाबू अगर वो कितना, वो उसका क्या डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू कितना गर्म है, कितना हॉट है, कितना ठंडा है, कितना कोल्ड है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर। किसी भी ऑब्जेक्ट को वो ठंडापन या गर्मपन बताता है, सीधा से बता, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या बताता है, कोल्डनेस के बारे में बताएगा और उसका हॉटनेस को बताएगा, है ना, वही हॉटनेस के बारे में बताएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। तो इसको हमको डिफाइन करना रहे, वो डिफाइन करना रहे, है ना बाबू। तो इट इज, हम लोग क्या, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस बाबू ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, है ना, या एनी मैटर, है ना बाबू, इसको डिफाइन करना रहे वो। तो कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज बाबू, इट इज बाबू डिग्री ऑफ, इट इज बाबू डिग्री ऑफ बाबू, डिग्री ऑफ बाबू हॉटनेस, मतलब कितना बाबू, ये डिग्री ऑफ हॉटनेस बाबू एंड बाबू कोल्डनेस, कितना गर्म है, ऑफ ए बॉडी, है ना बाबू, ऑफ ए बॉडी, 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 है ना, बॉडी बाबू, ठीक ठीक नेक्स्ट बाबू, अब टेम्परेचर को नापने के लिए बाबू हमको इसमें क्या यूज कर, मान लो बाबू किसी भी बॉडी का टेम्परेचर नापना, तो दो तरह के बाबू होता है थर्मोमीटर, एक हम लोग बाबू ये करते हैं ना, वो केमिकल थर्मोमीटर होता है, एक होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो जनरली जो टेम्परेचर नापेंगे बाबू किससे मेजर करेंगे, थर्मोमीटर से। टेम्परेचर वो मापोगे कितना डिग्री ठंडा है सर, कितना डिग्री गर्म है, वो टच करके तो कर सकते हो, लेकिन टच करने से आपको एग्जैक्ट पता नहीं चला, एग्जैक्ट डाटा पता नहीं चला, है ना, एग्जैक्ट डाटा पता नहीं चला, है ना बाबू। तो इसको मेजर करने के लिए बाबू हमारे पास क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोमीटर कहते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ लिखिए थर्मोमीटर, है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मोमीटर बताएंगे, है ना बाबू, है ना लिखिए बाबू, लिखो 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 लिखे लिखे लिखे, देयर आर बाबू, देयर आर बाबू, है ना, टेम्परेचर इज बाबू मेजर बाई, ऐसे लिखो बाबू, टेम्परेचर सरोवर में हम लोग बाय किससे नापे, टेम्परेचर बाय प्रेशर लिखें वो भी लिखना क्या बोले अंकित, टेम्परेचर बाबू, है। ऊपर में जो क्लासिफिकेशन के उसको भी ना लिखना है। हाँ 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 पूरा लिखना, तो पूरा लिखना, टेम्परेचर इज बाबू मेजर बाई, टेम्परेचर इज बाबू मेजर्ड बाई बाबू, मेजर्ड बाई बाबू, कैसे मेजर करेंगे सर, कैसे मेजर करेंगे, थर्मोमीटर से नापते हैं, थर्मोमीटर है ना। थर्मोमीटर के बारे में पढ़ाएंगे बाबू, दो दो तरह के थर्मोमीटर होता है ना, थर्मोमीटर, टेम्परेचर हम लोग कैसे नापेंगे बाबू, थर्मोमीटर से नापेंगे, कैसे नापेंगे, थर्मोमीटर से नापेंगे, है ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, कौन कौन भागा शैतान, भूमिका सर मोबाइल ये के सब साइड में ना, फिजिक्स में है सर ज्यादातर। भूमिका मोबाइल के साइड में फेस करके लिखे बाबू, आप मोबाइल इधर रखती हो, फेस उधर करती हो,
संजना कब तक कंप्लीट हो जाएगा फिर बाबा? बिट्टू गप कर रहा है, शैतान देखो ना बिट्टू गप कर रहा है। नहीं गप कर रहा था, उधर फेस क्या किए हुए हैं सर? थर्मो होता है कि थर्मो? थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर होता है सर। सर तो हमने थर्मोम लिख दिया, थर्मो। अरे शैतान थर्मोमीटर होता है वो, थर्मोमीटर होता है। अरे इतना प्रो परेशान है करते बाबू, क्या होता है थर्मोमीटर होता है वो, थर्मो। अच्छा ठीक है, थर्मो होता है, थर्मो हो गया, मीटर हो गया, थर्मोमीटर। थर्मल मीन्स क्या होता है? टेम्परेचर होता है। थर्मल मीन्स क्या होता है? टेम्परेचर होता है ना। तो हम लोग नापेंगे बाबू कि इसका बाबू टेम्परेचर नापने वो तीन चार स्केल है, चार स्केल है ना। जनरली बाबू हम लोग तीन यूज करते हैं लेकिन चार स्केल है बाबू। जैसे बाबू टेम्परेचर नापोगे थर्मोमीटर किसमें सर? डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फारेनहाइट है ना। तो इसके लिए बाबू तीन चार स्केल है ना वो। देयर बाबू चार स्केल हम लोग पढ़ेंगे। देयर आर बाबू मेनली आप लोग का तीन है बाबू लेकिन हम लोग चार पढ़ेंगे बाबू। देयर आर बाबू मेनली मेनली बाबू फोर स्केल, फोर बाबू फॉर बाबू मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को मापने के लिए बाबू कैसे बाबू सब्जी लाते हो तो किलोग्राम। मान लो बाबू सोना खरीदोगे तो किलो में सोना खरीदे हो, 10 ग्राम, 5 ग्राम, 2 ग्राम है ना बाबू। अच्छा मान लो चावल खरीदना किसान के यहाँ से तो क्विंटल में 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 3 क्विंटल। तो उसी प्रकार टेम्परेचर को नापने के लिए बाबू डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, यूनिट होते हैं। केल्विन में डिग्री क्यों नहीं लगाते हैं? जैसे डिग्री फॉरेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, केल्विन। देयर आर बाबू मेनली बाबू फोर स्केल बाबू ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर बाबू। टेम्परेचर है ना बाबू, टेम्परेचर बाबू है ना, फोर स्केल है बाबू ठीक है ना बाबू। पहला बाबू पहला जो है स्केल आपका बाबू डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस है, सेल्सियस है ठीक। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बाबू? सेंटीग्रेड भी तो कह सकते हैं। हाँ सेंटीग्रेड भी कहते हैं, सेंटीग्रेड भी कहते हैं ना, सेंटीग्रेड भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बाबू सेकंड बन जाए बाबू, सेकंड बन जाए बाबू, सेकंड बन है बाबू आपका डिग्री बाबू। सेकंड बन बाबू आपका क्या है बाबू? डिग्री फारेनहाइट है, डिग्री फारेनहाइट बाबू, एफ ए एच आर ई एन। फारेनहाइट का स्पेलिंग याद रखना बाबू, फारेनहाइट क्या लिखे हैं? सेल्सियस है, सेल्सियस है, नहीं सर नीचे सर, फारेन फारेनहाइट है, फारेनहाइट, एफ ए एच आर ई एन, एफ एच आर ई एन एच ई आई टी, फारेनहाइट। कैसे लिखो? डिग्री लिखोगे और एफ दोगे। थर्ड जो बाबू थर्ड जो यूनिट है बाबू केल्विन होता है। केल्विन में बाबू हम लोग क्या लगाएंगे? डिग्री ना लगाएंगे क्योंकि केल्विन मेरा क्या होता है? एसआई यूनिट होता है। केल्विन बाबू केल्विन, केल्विन को हम लोग किस तरीके डिग्री केल्विन नहीं लिखते, सिर्फ केल्विन लिखते हैं ना, स्टैंडर्ड यूनिट है ना। एब्सोल्यूट हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन बाबू, एसआई यूनिट केल्विन मेरा क्या होता है? एसआई यूनिट होता है, इसलिए इसको डिग्री ना लिखते हैं। नेक्स्ट बाबू फोर्थ वन है बाबू सर, उमर आप कब यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा रहे हैं फिजिक्स? रियूमर, आर ई ए यू एम ई यू आर, रियूमर। इसमें भी डिग्री रियूमर होता है ना, डिग्री रियूमर होता है। इसमें भी आपका क्या होगा? रियूमर होगा या डिग्री रियूमर होगा, तो इसको भी रियूमर से लिखो। ये हो गया फोर्थ ना। हाँ जी अब इसमें यूनिट एंड डायमेंशन कब पढ़ा रहे हैं? अरे बाबू सब स्लो स्लो एक ही बार कैसे सब होगा जी? चाहेंगे तो सिलेबस यदि एक महीना में सारा आप लोगों का खत्म हो जाएगा, कुछ समझ में आएगा। डिग्री रियूमर आर ई ए यू एम यू ई आर होता बाबू, डिग्री रियूमर कैसे लिखेंगे? डिग्री देंगे, रियूमर देंगे। अब इसमें बाबू क्या इंटर कन्वर्जन है? जल्दी लिखा, जल्दी लिखा वो
ये सब शैतान सब गया का कौन कौन भागता है वो कल सभी सबको बाबू स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। कौन कौन गया है बाबू पहले थोड़ा सा ये कर लेते तो साइंस नहीं सीखेगा तब। रौनक रौनक है, शालिनी नहीं है, सम्यक शैतान कहाँ गया जी? सम्यक है बाबू, स्वाति नहीं है अभी बाबू। अनुज शैतान कहाँ गया जी? अनुज भागा बाबू, एगो अनुज भागा बाबू। चलो अनुज जल्दी लिखे जल्दी लिखे बाबू जी जल्दी लिखे बाबू। मिस्टी सानवी एक नहीं है शैतान, उसको तो कूटना पड़ेगा। चलिए बाबू सपना हर्षिता रौनक निकु अनुष्का, ये अनुष्का शैतान का एक दिन आता एक दिन नहीं होता। ठीक, अब इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे, इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे। डिग्री को बाबू ये डिग्री को सेल्सियस को फारेनहाइट में, फारेनहाइट को केल्विन में, केल्विन को किस में, रूमर में कैसे लाओगे, रूमर में कैसे लाओगे, है ना बाबू? कैसे लाओगे? हाँ बाबू फॉर्मूला होता है इंटर कन्वर्जन। हाँ बाबू इंटर कन्वर्जन बाबू टेम्परेचर एक दूसरे से हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। मान लो डिग्री सेल्सियस दे दिया तो फारेनहाइट में कैसे जाओगे, फारेनहाइट से बाबू रिमर में कैसे जाओगे, रिमर से कैसे जाओगे बाबू, है ना बाबू? ये केल्विन में कैसे जाओगे, है ना बाबू? ठीक, यहाँ ध्यान देना बाबू आपका बाबू डिग्री सेल्सियस में, देखो सेल्सियस में डिग्री, फारेनहाइट में बाबू डिग्री फारेनहाइट, रिमर में डिग्री रिमर, लेकिन केल्विन में बाबू आपका डिग्री नहीं होता है, डिग्री केल्विन नहीं होता, क्योंकि बाबू ये मेरा क्या एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो कहने का मतलब क्या बाबू? इसमें बाबू एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता, इसका क्या होता है एब्सोल्यूट जीरो लेते हैं, मतलब ये स्टैंडर्ड यूनिट है। क्या बाबू? स्टैंडर्ड यूनिट है ना, इसीलिए इसमें हम लोग ये डिग्री नहीं लगाएंगे, डिग्री नहीं लगाएंगे, सिर्फ क्या होगा केल्विन होगा, केल्विन होगा, ये ध्यान देना, छोटी छोटी बातें बाबू, कि डिग्री में केल्विन, केल्विन में डिग्री ना होगा। नेक्स्ट बाबू इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन बाबू ऑफ टेम्परेचर। मंगला स्थान बाबू चलो है ये बाबू अथी भूमिका, जिधर मोबाइल रखती हो ना उधर ही पढ़ करके पढ़िए बाबू, मोबाइल रखती हो यहाँ पे लिखती हो ऐसे, ये क्या हो? इधर रखोगे बाबू तो आपका प्रेशर कम पड़ेगा आँख पे, ठीक है ना, लिखने में टाइम बचेगा, देखने में ये मिली सेकंड लगता है ना जी, इधर लिख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, इधर लिख रहे हैं तो मिली सेकंड लगता है ना यहाँ से बाबू, कंसंट्रेशन लैक होता है। सर नैनो सेकंड क्या होता है? सेकेंड का 10^-9 पार्ट होता है, एक सेकेंड का 10^-9 पार्ट होता है। ठीक, कन्वर्जन ऑफ इंटर कन्वर्जन कैसे, इसका फॉर्मूला था फारेनहाइट -32 बटा कितना करेंगे 180 बराबर बाबू आपका कितना आता है फारेनहाइट है बाबू, फारेनहाइट को हम लोग किस में करेंगे ध्यान देना बाबू, सेल्सियस बाई 100 होगा बराबर बाबू केल्विन -273 273 बाबू अपॉन कितना 100 बराबर बाबू रूमर अपॉन कितना रूमर बाई 80 होगा, ध्यान देना यहाँ बाबू 273 बाबू अरे शैतान 4-5 करते रहना बाद में, देखो जैसे समझा रहे हो वैसे समझिए, यहाँ बाबू डाटा आपका क्या 273 है बाबू, कभी कभी बाबू डेसिमल मिलेगा तो 273.15 होगा, हम लोग रफ यूज के लिए बाबू रूमर बटा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक, यहाँ बाबू ये लीजिए लेकिन कभी कभी आपको कितना लगेगा 273.15 लगेगा, हम लोग रफ यूज करना बता 273 लेंगे लोग, लेकिन एग्जैक्ट कितना होता है शैतान 273.15 होता है सर एग्जैक्ट वैल्यू 273.15 है ना, लेकिन हम लोग 273.15 है ना तो इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर कर, तो यही फार्मूला याद रखिएगा, इसी को आप लोग के बुक में कैसे दिया 180 100 100 ज्यादा करोगे तो एक दूसरा यहाँ से क्या निकलेगा 20 से काट दोगे 20 से 20 से कैंसिल करोगे तो f-20 बाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा,
सी बाई 20 से कैंसिल आउट करोगे तो 5 हो जाएगा के एम माइनस 273 बाबू अपॉन 5 20 से काटोगे तो 5 हो जाएगा। 20 से क्यों काटेंगे 20 से तो 4 4 हो जाएगा। या तो ये लिखो चाहे ये लिखो, ये लिखो से क्यों काटेंगे सर? कहां 20 से काट रहे हैं जी? सर कैसे किए? कुछ नहीं किए, ये फार्मूला आपका, आप लोग का बुक देखोगे तो या तो ये दिल रहेगा चाहे ये दिल रहेगा, दोनों सेम चीज़ है, दोनों प्रोसेस सही है। सर तो 20 से ही क्यों काटते हैं? 20 से ही क्यों काटते हैं और किसी नंबर से? ना ही कुछ नहीं कट के बाबू, कहां है बाबू बकबका रहे? ये याद रखो चाहे ये याद रखो, दोनों सेम फार्मूला है, बस उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में काट देना। हां यहाँ देखो 180 है ना जी, यहाँ 100 है ना जी, यहाँ 100 है ना जी, यहाँ 80 है ना जी, तो इसमें सबसे बड़का कॉमन नंबर कौन होगा? 20 हो जाएगा, सबसे बड़का नंबर 20 कॉमन हो जाएगा, तो 20 सारे से कॉमन ले लेगा तो ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, है ना? तो यही हम लोग याद रखेंगे, इसी को हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। यूज कहाँ है सर? जैसे वो जैसे जैसे बताते वो क्या वो कन्वर्ट वो 20 ये दोनों ये चारों इक्वल है, कोई सा भी निकालेंगे तो निकल जाएगा। हाँ ये दोनों सेम फार्मूला, ये दोनों सेम फार्मूला, ये वाला याद रखो चाहिए और है, मतलब ये चाहिए, दोनों सेम है, दोनों सेम है। सर ये चारों यूनिट में से सर किसी एक को निकालेंगे सब तो इक्वल है, तीनों को निकल जाएगा, एक का भी निकाल देंगे तो। हाँ एक के निकाल के तीनों निकल जाएगा। अब शांत रहो, जैसे एग्जाम्पल सर कन्वर्ट बाबू, कन्वर्ट बाबू 20 डिग्री सेल्सियस इंटू किस में बाबू, इंटू किस में बाबू, केल्विन में, केल्विन में कन्वर्ट करो, कैसे कन्वर्ट करो? डिग्री फारेनहाइट, अच्छा ठीक है एग्जांपल वन, कन्वर्ट 20 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन डिग्री फारेनहाइट एंड बाबू डिग्री सेल्सियस डिग्री रूमर, है ना? 20 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में लाना, फारेनहाइट में लाना, रूमर में लाना, है ना? तो हमको बाबू डिग्री सेल्सियस को बाबू कोई पहले डिग्री सेल्सियस का रिलेशन उठा, ये चारों आपस में क्या बराबर है, तो दो दो को कंपेयर करना। जैसे मेरा क्या सर, पहले हमको केल्विन वाला, पहले केल्विन में लाना बाबू, तो ये सेल्सियस केल्विन ये दोनों को उठा, है ना बाबू? फॉर केल्विन के लिए फॉर बाबू केल्विन, केल्विन के लिए फॉर बाबू केल्विन के लिए, केल्विन के लिए हम लोग कौन सा डाटा दिया, सेल्सियस दिया और केल्विन में लाना, तो ये दोनों लेना। केल्विन के लिए हम लोग सेल्सियस दिया हुआ सर के माइनस 273 डिवाइडेड बाई 5, सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ ना, तो 20 का वैल्यू रख देना, 20 का वैल्यू रख देना, है ना? 20 का वैल्यू रख देना यहाँ पे, सेल्सियस कितना 20 रख देना डिवाइडेड बाई 5 बराबर के माइनस 273 अपॉन 5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मम्मी ने सिखाई, ऐसे डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है ना, तो ये मर जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम होता है ना लेफ्ट साइड राइट साइड, तो मर जाता है। तो कितना हो गया 20 बराबर कितना के माइनस 273 हो गया, 273 इधर लेके आओगे मान लो डेसिमल प्लस में हो जाएगा सर, डेसिमल देगा 273.15 देगा तो वो भी ले सकते हो, है ना? इधर आ जाएगा तो कितना प्लस होगा, तो 20 प्लस 273 बराबर केल्विन, मान लो ऑप्शन डेसिमल में दे रहा 273.15 तो 1.5 लेके करना 293 आएगा, तो के बराबर कितना ऑप्शन में दोनों रहेगा तब दो ना रहता बाबू, एक के को देता या तो डेसिमल देगा एग्जैक्ट डाटा देना, तो वो क्या आउटपुट 293.15 आएगा डेसिमल में लगा तो 0.15 ऐड होगा, यानी तो इतना केल्विन हो जाएगा, तो यही हो गया बाबू। सर हां अपनो क्या लिखा सी इंटर सी कन्वर्ट 20 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन फारेनहाइट, हां ये डिग्री फारेनहाइट और डिग्री रूमर है, उन दोनों में कन्वर्ट पहले केल्विन फिर फारेनहाइट फिर रूमर। हाँ क्या हुआ अर्थी तक, क्या हुआ बाबू कार हो रही हो? समझ नहीं आया सर, ऐसे ही होगा फॉर डिग्री फारेनहाइट में c by 5 equal to m minus 32 by 9 या 180 फारेनहाइट, फारेनहाइट में लाना बाबू, तो फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस उठाना, फॉर फारेनहाइट लाना बाबू, f a h R E N फारेन हो गया, हाइट H E I T हो गया, मीनिंग याद देना, तो फारेन हाइट में लाना बाबू, डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, तो कौन सा फॉर्मूला उठाना, F माइनस 32 अपॉन 9 बराबर C बटा 5, C की वैल्यू पुट कर देना बाबू 20, यहाँ से F की वैल्यू निकालना, तो फारेन हाइट में आ जाएगा,
उसी तरह से रिज्यूमर में लाइएगा, लिखिए शैतान, ये आपका डी है भाई, करके लाइएगा शैतान। इसमें और क्वेश्चन हम लोग करें और रियूमर बाबू सर एक बार और बता दीजिए सर रियूमर का, सर रियूमर का होगा ये, एक बार और क्या बता दे बाबू, कहाँ रहती है बाबू, मनसना पड़ती है हर्षिता सर, सर रियूमर का हो जाएगा आर बाई फोर। अच्छा ठीक है, फॉर्मूला कहाँ नहीं पढ़ी है समझी हर्षिता, कहानी पर समझे हर्षिता बाबू सर, फॉर्मूला आप कैसे लगाए, फॉर्मूला याद रखना बाबू, फॉर्मूला लाए नहीं, फॉर्मूला याद रखना बाबू, है ना बाबू, एफ माइनस 32 बटा 180 बराबर सर आपने लगाया सी अपॉन 5 तो फारेनहाइट माइनस 32 बाय 9 कहाँ गया, ये वाला यूज करो चाहे ये वाला यूज करो, तो आपको बाबू चारों का चारों क्या बराबर है, तो एगो दिया डिग्री सेल्सियस दिया हो रहेगा, तो हमको फारेनहाइट में लाना, 20 डिग्री सेल्सियस दिया, तो डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट ये दोनों यूज करना, ये दोनों यूज करना, तो ये दोनों फार्मूला यूज किए। अब उसके बाद इसको इसको सोल्व करना, सी की वैल्यू 20 रखो, यहाँ से फारेनहाइट की वैल्यू निकालो, ये आधा, ये इसको सोल्व करना, इसको सोल्व करके ना, इसको सोल्व, डी आई वाई नहीं लिखा बाबू, डी आई वाई नहीं लिखा, इसको भी सोल्व करके लाना, इसको भी सोल्व करके लाना, फारेनहाइट इक्वल टू 48 आएगा। अच्छा ठीक है, हाँ क्या बोल रहे सीता, अगर आएगा ये सेल्सियस में तो फारेनहाइट निकालना, क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा एगो, कहेगा जिसमें निकालना कहेगा उसका फॉर्मूला यूज, मान लो डिग्री सेल्सियस दिया फारेनहाइट में करा तो ये दोनों यूज करना, मान लो फारेनहाइट में दे दिया आपको केल्विन निकालने करा तो फारेनहाइट केल्विन वाला ये दोनों दो को लेना, यहाँ दो दो का पेयर उठाना है, दो पेयर उठाना है, एक पेयर दिया हुआ रहेगा, एक का वैल्यू निकालिएगा, क्वेश्चन समझना है बस। चलिए बाबू सर फॉरेनहाइट आएगा 68 और रियूमर आएगा 16, क्या बोले सर, फॉरेनहाइट में 68 है और रियूमर, अच्छी बात है, सर 48 आएगा ना फॉरेनहाइट, वो निकाल लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, आसान है सर, 48 आएगा कि 60 है, कितना आता जी सर, 68 ना आएगा सर, देख लीजिए, 68 आएगा, सही से कैलकुलेट करो बाबू, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग, बाय सर, इसका एक और फॉर्मूला, बाय सर, गुड नाइट, अब फॉर्मूला सी एस को फिर